क्या? हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। रूबी, खुशखबरी देने का सलीका भी भूल गई? तो मां बनने वाली रूबी और ये बात तुम मुंह लटका कर बोल रही है? मैं भी मां नहीं बनना चाहती हूँ। क्या? हाँ दीदी, बस मेरी इतनी मदद करो कि मुझे कोई अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो, मैं अबॉर्शन करा लूंगी। एकनाथ ने तुझे अबॉर्शन करने के लिए कहा है? नहीं, एकनाथ को तेरी प्रेगनेंसी का पता है? हाँ। और तेरे इस फैसले का? हाँ। फिर भी उसने रजामंदी दे दी? जैसे उसको मेरे एतराजों से सरोकार नहीं है, वैसे ही मुझे उसकी रजामंदी की परवाह नहीं है। लेकिन एकनाथ ने कहा क्या रूबी? वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने भी तय कर लिया है कि इस मामले में मैं झुकूंगी नहीं। पछतावा मत करो रूबी, ये शादी ब्याह, प्रेगनेंसी, अबॉर्शन कोई खिलवाड़ वाली बात नहीं है। मैं नहीं झुकूंगी, वो झुके, वो नहीं झुकेगा, मैं झुकूंगी, ये सब तूने क्या शुरू कर दिया है? दीदी, ये मैंने नहीं शुरू किया है, एकनाथ ने शुरू किया है। मैं उसकी बीवी हूँ, हमें हमारी जिंदगी साथ गुजारनी है। मेरा भी हक बनता है कि मैं जिंदगी के बारे में अपना नजरिया बताऊं, उसे लागू करूं, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे अपनी तरह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहा है, जैसे मैं कोई बेजान गुड़िया हूं। मेरे भी कुछ ख्वाहिशें हैं, हसरतें हैं, लेकिन उन्हें एकनाथ साहब के सलीके और तरीके के सामने दाखिल देने की कोई इजाजत ही नहीं है। देख रूबी, पहले आप बुझा कर बात मत कर, सीधे सीधे प्रॉब्लम पर उंगली रख दे कि प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है एकनाथ के सिद्धांत। उसके सर पे इस तरह सवार है कि उसे होश ही नहीं कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। दीदी, जिस घर में हम रहते थे उस घर में और इस घर में क्या तुलना है? जो चीज हमारी घर में निहायत जरूरी समझी जाती थी, वो इस घर की भाषा में ऐशो आराम और फिजूल खर्च माना जाता है। देखो दीदी, अगर एकनाथ काबिल नहीं होता तो ये सब कुछ मैं अपना नसीब समझकर कबूल कर लेती, लेकिन एकनाथ के तरक्की के रास्ते दरवाजे के सामने आते हैं और खड़े होते हैं, लेकिन वो उन रास्तों पर चलने से इनकार कर देता है और गरीबी को गोद में उठाकर फक्र महसूस करता है। तुम सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूं। बहुत अच्छी तरह सुना मैंने तुम्हें रूबी, तुम गलत हो, सरासर गलत हो। दीदी देख रूबी, मैं बहुत घबरा गई हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतने कम वक्त में तुम्हारे और एकनाथ के बीच में जो खलबली मच गई है, तो आगे क्या आश्रय होगा? और मेरी समझ में ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से। देख रूबी, एकनाथ के आदर्श और सिद्धांत सब अच्छी तरह से जानते हैं और तुम तो उनसे प्यार करती थी, तुम्हें तो ये सब बहुत पहले से पता था ना रूबी? तुम एकनाथ के आदर्श और सिद्धांतों को इज्जत से देखती थी, इज्जत करती थी उनकी, और इतनी बेइज्जती से बात कर रही हा? तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं और मेरा बच्चा इस तरह जिंदगी गुजारे? हे रूबी, तू, तेरा बच्चा, तेरा घर, तेरी जिंदगी, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारा और एकनाथ का साथ, ये रिश्ता कितनी दूर तक जा पाएगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। राजीव, दोस्त की हैसियत से तुमसे कुछ मांगूंगी तो बुरा तो नहीं मानोगे ना?
अगर दोस्त की हैसियत से बात कर रही हो तो फिर बात को इतना नाप तोल के या इतना कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, जो कुछ कहना है कह डालो। सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरे हाथ में अपना हाथ दोगे, दोनों हाथ?